हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। सारी ऑडियंस को तो कैसे हैं आप सब। तो नया दिन, नई शुरुआत। आज है हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट फेयर, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी का सबसे धांसू मनाने वाला इवेंट, मतलब सबसे अच्छा यही इवेंट होते हैं क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट का ही है और ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फेयर होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे एमबी फर्स्ट ईयर के हमारे सीनियर, मतलब हमारे तो सीनियर हैं, और वो क्या करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं बेसिकली, और वो मतलब हमें कुछ सामान बेचते हैं जो भी उनका मन करता है। और जो बंदा सबसे ज्यादा सामान बेचता है उसकी इवैल्यूएशन होती है, मतलब मार्क्स का इनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से इनको मार्क्स मिलते हैं। तो आज का व्लॉग काफी एक्साइटेड होने वाले हैं क्योंकि आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ हमारे मैनेजमेंट फेयर में क्या क्या हो रहा है। और बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी का व्लॉग इसी चैनल पे दिखेगा गाइस। आउटफिट चेक, ये तुम्हारे भाई की जैकेट और नीली जींस, जूते देख लो, हवा हवा खिंडा रहे साले। चलो कोई नहीं गाइस, अपना जाते हैं, हमारा आउट चेक हो गया और चलते हैं फिर। ये हमारे प्यारे हनुमान जी, चलते हैं फिर। ऐसे निकल रहा हूँ मैं तो अपना मैनेजमेंट फेयर के लिए, मेरे थोड़े दोस्त बुला रहे हैं, उनका इनेक्टस का इवेंट है, अपना जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। और इवेंट तो सेक्सी लग रहा है देखने में क्योंकि इस बार काफ़ी बड़ी स्टॉल्स लगाई हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगी हैं पहली बार से। मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड को, आपको दिखाता हूँ, मेरे को दूर से आपको पास में जाके दिखाता हूँ मैं अच्छे से। आ चुके हैं अपने इसमें इवेंट में और आपको मैं स्टॉल्स दिखाता हूं, वेट करो। इस ये हमारे छोटे हेलो गाइस, बहुत हम लोग को मजा आ रहा है। दक्ष ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर कीजिए। ओहो जनता तो बढ़िया है भाई, ये विराट कोहली को मैं आपको स्टॉल्स दिखाता हूं गाइस। ये बाजार में जो लगे पड़े हैं, ये हमारे तो कुछ खास दोस्त हैं आज भी अच्छे नहीं ओह या यहाँ पे ये पुणे पुणे सिस्टम लगा है सेट एकदम, यहाँ ब्लॉग बन रहा है। अरे भाई भाई भाई, अरे बालक है किसकी, ये बालक है किसकी, मैं नहीं समझा फिर बोल। ये हमारे व्लॉग में आ चुके हैं तनीषा जी। हेलो तनीषा, अभी हम हाय सब्सक्राइब भाई, झूले मूले फ्री में लेके बढ़ेंगे, पैसे मुझे देने इनके। अच्छा फ्री है कोई, मैंने सुना एक आधा फ्री है इनमें, पैसे मुझे देने किसके, ना ना फ्री है फ्री है। अरे तू उधर ही ये हमारे उभरते ब्लॉगर, टारगेट लगा है, ये हमारे उभरते ब्लॉगर भाई, बच्चा भाई बच्चा ला तो कर दिया भाई, एक बार ही चाहिए होता है देखने के लिए ट्राई, उसके बाद तो कुछ नहीं होता इससे। एफडीएस की एफडीएस का नंबर बता। अरे भाई भाई भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटे, देख लो ब्लॉग की पावर, मेरी डायरी मिल गया है, अब मैं डायरी में ड्यूटी को दूंगा। अरे भैया ब्लॉग कर रहा है, ब्लॉग कर रहा है, मेरे से बड़ी ड्यूटी कहां मिले, हाय हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डायरी मिल देता हूँ तो मैं किसी ड्यूटी को दूंगा, ये तो
हमारे साथ क्या आए हैं बड़े लोग गुड़गांव के। यस हाँ जी। और ये बाढ़ बुढ़क खेलने का सीन है भाई, हम तो ये खेलते नहीं है पर थोड़े कोई हमें डिमांड करे हम खेल लेंगे। 5 मिनट मारूं। आप खेलोगे हमारे साथ, आओगे हमारे ब्लॉग में? हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है भाई। हमारे साथ आ जाओ, आपकी फोटो ही अच्छी हो जाएगी। लोगों मैं को दिखा दूँ क्या खेल रहे बच्चे लोग। ये देखो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये मतलब कोई मजाक चल रहा है? मजाक ही चल रहा है जी, मजाक ही चल रहा है। आप सब आपको बताइए, आपको कॉलेज फेस्ट लग रहा है, किंडरगार्टन का एनुअल फंक्शन? हां इट्स अ मिक्स। ये नहीं भेंचो, उधर शादी है, इधर किंडरगार्टन। देख इन्होंने फंक्शन ये 9 महीने बाद करना था ये वाला, तो क्यों भाई तुम हमें क्या व्यूज देना चाहोगे? अगर तो वार्डन के बच्चे पकड़ के मारने हैं किसी, क्यों ऐसे देखो पता है बोलना चाहोगी? ये जो मैं ये बोलना खेलने कूदने का सिस्टम लगा पड़ा है, ये देखो ये खेलने कूदने का सब सही है, बस लोग खराब है। सही बात है, आ रहे आ रहे। वेरी वेरी गो, क्या कहते हैं उनको, वेरी वेरी बैड खाने वाले, बैड 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 वेरी पाव खाने। इसे भी ले लियो, देखो फोन दिखा, फोन दिखा अपना, के देखा इसमें? ये भाई ने ले लिया नया फोन 15 प्रो, गिफ्ट दे दिए। हाँ हाँ जरूर भाई, भाई चार गिफ्ट नहीं दे सकता आपका, आप लोगों का भाई। पूरे गवर्नमेंट हमें रिव्यू देते हैं भाई की, रस मलाई खा के बता देंगे। डिफाइन कर कैसी है? मीठी। बड़ा को ट्राई किया तूने? ब्लॉग में दिख रहे हो भाई पूरे, अगले जो अगले साल है क्या? हाँ अगले साल की है गाइस, क्या चैनल का नाम क्या? दक्ष ब्लॉग 23। क्या दक्ष ब्लॉग 23? दक्ष ब्लॉग 23 को सब्सक्राइब करो, कमेंट भाई, लाइक, अगले साल शेयर, सब्सक्राइब। अगले साल जो बच्चे को देख के आएंगे वो सीनियर हो जाएंगे उनके। बिल्कुल ठीक है भाई, भाई की बॉडी बहुत अच्छी है। हां अरे ट्रू ट्रू। हाँ जी भाई, मैंने 2 बार सट्टा खेला और दोनों बार जीत चुका हूँ, क्योंकि सट्टे में हम कभी हार नहीं सकते। भाई बता कैसा लग रहा है सट्टे में 10 रुपए जीत के? भाई क्या लग रहा है सट्टे में जीत? अरे भाई 10 रुपए जीत के मजा आ गया भाई, भाई ने जितवाया। बता और किसको खेलना है, किसको खेलना है? मेरे नाम सट्टा खेलना भाई, उसी को खेल रहे हो। क्या खाने को तो आपके पास? भाई देखो हॉट चॉकलेट भाई, अगले साल वाले बच्चे आके आपको व्लॉग देखेंगे, अब आप उनके सीनियर हो गए हो, ठीक है? अब अगले साल देखेंगे ना वो। चलो कोई नहीं, अब कह रहे हो सब्सक्राइब। ये पनीर कुलचा मैंने अभी खाया नहीं, पर खाने में शक्ल में तो अच्छा ही दिख रहा है मेरे को। तलवार अच्छा है गाइस, अच्छा है गाइस। थैंक यू। सट्टा खेलना है सट्टे में? मैंने 2 बार सट्टा जीत लिया, दोनों का सम अगर अब बोला तो आप आना चाहिए 700 का भी बोलना पड़ेगा, पहले बोलना पड़ेगा। डाउन पे खेलिए और ज्यादा बोल रहा है जो सीट है बेटे, मेरे नाम से खेलेगा जीतेगा। बोल दक्ष बाबा की जय, बोल दक्ष बाबा की जय। अब मैं नहीं पाएगा, डाउन पे खेल, डाउन डाउन भाई। दोनों बार खेला है, दोनों बार तेरा था नाम लेने से थोड़ी कुछ होता है बेटा। 5,000 रुपए देता हूँ बंदा लालच में, जो चीज देता है वो अच्छा नहीं होता। वो अरे भाई 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 मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा है, सिस्टम तो पूरा हमारा।
छोले कुलचे खा लो भाई, टेस्टी है। स्टॉल नंबर बाबूराव स्टॉल, मस्त कुलचे। ये गुप्ता जी और नोएडा, जितनी फंडिंग चाहिए हो मेरे फोन नंबर पे फोन कर देना, जितने पैसे चाहिए हो ब्याज पे, दो के प्याम पांच गुना ब्याज भाई। मैं आओ जी आओ भाई, अभी फंडिंग दे सकते हैं आपको। बिल्कुल भाई, एक बार सीधा ब्याज नंबर मिल जाएगा आपको। ब्याज चाहिए, ब्याज सीधा फॉर्चून बनेगी हमारी, ब्याज कटेगा तुम्हारा, देख लेना तुम। हाँ जी भाई, उत्कर्ष भाई कैसा लग रहा है आपको इवेंट में? बढ़िया लग रहा है भाई, पहली बार ऐसा लग रहा है पैसे खर्च करने का कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको कैसा लग रहा है? एक साल हो गया बहनचोद इस कॉलेज में, साला पहली बार इन्होंने ढंग का कुछ किया, ऐसा लग रहा है जब बीटेक के पैसे थे ना वसूल हो रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूं अंकल, तुम्हें कंटेंट निकालो ना, यहाँ पे आओ, 50-50 रुपए रखो अपने पास, जात पीटाओ बस कंटेंट निकल जाएगा। बहुत है भाई, 50 भी नहीं भाई। अरे मैं बता रहा हूँ, दो ना सुंदर लड़की थी मेरे पे, कहती 10 रुपए दे फोटो की। भाई मैंने बताऊँ क्या कर रहा है, मैंने दो दुकानों से सामान लिया है, दोनों बनाने का फीडबैक दो, मैंने दोनों पे लिख के आ गया क्यूट, क्या लिखा है क्यूट स्टाफ, दोनों ने सामान लिया मेरे को। तो मैं पता क्या कर रहा, दो क्यूट लड़की आई, कहती है आपकी फोटो खींचता हूँ, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। मैं कहा मैं ऐसे नहीं भेजने वाला, कुछ और करो। तो फिर क्या करवा क्या भाई ना, वो कहती फिर ना कहती फोटो खींचती है, बच्चे नहीं है बड़े हो गए, 17 साल दाढ़ी आ गई भाई, दाढ़ी ऐसी थोड़ी प्यूबर्टी हिट कर रही है, हॉर्मोन जल्दी जागरूक हो रहे हैं हमारे, दाढ़ी आने से बच्चे बड़े हो जाते हैं। चल सही है भाई, बच्चे बड़े नहीं हो जाते, बच्चे हो जाते। भाई हम आए हैं अपने बाइक स्टॉल पे, भाई बना रहे शेक, छोटा भीम वाला एनर्जी, फुल एनर्जी भाई, बाइक स्टॉल है ये, ढोलकपुर डिलाइट। तो भाई क्या 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 खाने के लिए? हमारे पास शेक्स है, जालमुड़ी है, कुरकुरे चाट है और पुडिंग्स भी है। हेलो गाइस, बाय। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो हो गया हूँ। तो हाँ जी भाई, एकांश भाई पहली बार हमारे ब्लॉग के चैनल पे आए हैं। एकांश हाय गाइस, हाउ आर यू? तो आपको कैसा लग रहा है हमारे ब्लॉग के चैनल पे भाई आके? भाई एकांश भाई ना पहली बार आए हमारे ब्लॉग के चैनल पे, और ये भाई वो भाई है जिसको मतलब मैंने कभी दिखाया तो नहीं, पर ये वो भाई है, एक बंदे होते हैं कि सीक्रेट वाले। हाँ जी, कि जिसके होते हैं बेयर ट्रूथ डार्क ट्रूथ वाले, ये भाई वो वाले भाई है, मतलब कि जो दिखते नहीं है, जिनसे बात कम होती है, फोटो कम होती है, पर वो भाई होते हैं। बिल्कुल, ये वो वाला सीन होता है उनको, ये मेरे फोर्थ ईयर के भाई है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सीनियर वाला है, बहुत चिल सीन है, और ये मेरे भाई है भाई, सेक्सी एकदम। सेम टू यू ब्रदर, सी यू गाइस। हाँ तो गाइस देखो, अब हमारा व्लॉग एंड करते हैं। दिवाली का फंक्शन अच्छा था, मतलब मैनेजमेंट फेयर था सबसे बड़ा, नाइट और लंबी होनी चाहिए थी। हाँ, और लंबी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, और पर कॉलेज का सीन तो ठीक था, और एक दिक्कत थी, गाने नहीं लगाने दिए। गाने बढ़िया नहीं लगाने दिए भाई उन्होंने, बिल्कुल भी यार चढ़ने नहीं दिया। हाँ स्टेज पे भाई, पर वो लड़ रहे थे साले, वार्डन नाच रहे थे भाई अपने में ही, वार्डन आप फ्री में नाच रहे थे, मैं क्लिप डाल दूंगा। वन नंबर फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन और इनका फेयर था एमबी वालों का। कल तो इन्होंने स्टोरी दिखाई थी कैसे इन्होंने, हीरो वालों ने अपना कॉलेज वगैरह बनाया था। तो गाइस चलो मैं ब्लॉग की सारे क्लिप्स डाल दूंगा और आपको पूरा ब्लॉग ज्वाइन करके दिखाऊंगा, तो तब तक के लिए फिट रहो, मजे में रहो, जय श्री राम।